सारी चीजें ऊपर से निकल जाएंगी अगर आपके पास ये शीट नहीं होगी तो। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट इसलिए की है, इसी हम लोगों ने की थी कि आप सबके पास ये शीट्स होगी तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से आज बात समझ में आने वाली है। अब एक बार ईमानदारी से आप में से सभी लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं जिसके पास शीट्स नहीं है, ईमानदारी से आज ईमानदारी देखी जाएगी दोस्तों। वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शीट्स नहीं है दोस्तों। अब इनके पास शीट नहीं है, इसकी सजा दी जाए या इन्होंने ईमानदारी से हाँ कर दिए इसके लिए इनको माफ कर दिया जाए? गुड, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। देखिए ये एक छोटी चीज है जो जो बताती है सीरियसनेस, हम अपने बिजनेस को लेके या अपने करियर को लेके हम कितना सीरियस है ये दर्शाती है दोस्तों, राइट? क्योंकि अगर एक मैसेज किया गया है आपके अप्लायंस के थ्रू, ये बताया गया है कि हमें अपनी ये शीट्स अपने साथ रखनी है और इसी शीट्स के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आज ये शीट फिल करनी है और मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगा और गारंटी करता हूँ दोस्तों आपकी इनकम आने वाले ओनली 4 to 6 मंथ के अंदर, 4 to 6 मंथ के अंदर बहुत ही शानदार इनकम होने वाली है अगर आपने इसको अडॉप्ट किया तो। वरना बहुत सारे लोग कहते हैं सर ऐसी शीट हमने बहुत देखी है और बहुत भरी, हमने बहुत देखा है, ऐसे इन सब में कुछ नहीं होता। अगर आपके आपकी सोच ही है तो फिर उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता दोस्त, राइट? सो एक इंफॉर्मेशन और दोस्तों आपको दे रही थी कि आप सबके पास एक ग्रुप में मैसेज और आया हुआ होगा आज कि आज आपके लगभग 8:15 बजे के आसपास एक हेल्थ सेशन भी होने वाला है, राइट? तो अपडेट ये है कि ये मीटिंग आज एंड नहीं होगी, ये मीटिंग आज क्लोज नहीं होगी, जस्ट इस सेशन के जस्ट बाद इसी मीटिंग पे सेम कंटिन्यू रहेगी हमारा हेल्थ सेशन, राइट? वो लगभग 8:15 से 9 बजे तक का है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अटेंड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंटिन्यूसली अभी जो हमारा सेशन लगभग 7 बजे शुरू हो रहा है तो हमारा ये सेशन अब क्लोज होगा लगभग 9 बजे के आसपास, राइट? तैयार रखिएगा अपने आप को, जिसने डिनर नहीं किया है वो 9 बजे के बाद डिनर करे। अगर आप ऑफिस में बैठे, वैसे तो ऑफिस में कोई भी नहीं होगा, सभी लोग घर पे आज के डेट में, राइट? क्योंकि एक तो दिल्ली सरकार ने थोड़ा साथ दे दिया है घर बैठने के लिए, दूसरा बारिश भी कृपा बरसाई रही है कि भैया कहीं मत जाओ, घर पे ही रहो। तो इसका फायदा उठाते हुए आज हम लोग इस सेशन को करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बहुत ही शानदार फॉर्मेट है, अगर हम इसको सीख जाते हैं, इसको समझ जाते हैं तो दोस्तों हम एक हैंडसम इनकम अर्न कर सकते हैं इस वजह से, वो भी एक लिमिटेड टाइम में, आने वाले 4 to 6 मंथ के अंदर। ओके सुशांत जी ऑफिस में, अब ऑफिस में रहिए सर, लगभग 2 घंटे आपको ऑफिस में और रहना होगा। वॉचमैन को बोल दीजिए कि 8 बजे नहीं आज मैं 9 बजे जाऊंगा, तो हमारा ऑफिस का जो स्टाफ है वो भी बड़ा खुश हो जाएगा कि आज हमारा एम्प्लॉय पता नहीं क्यों इतनी देर तक रुक रहा है, उसको क्या पता हमारा पर्पज क्या है। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं, क्योंकि आप सबके पास शीट है हाथ में, इसे समझाने में बहुत आसानी होने वाली है, राइट? तो आपके पास शीट भी है लेकिन उसको शीट को समझने के लिए हमारे पास स्क्रीन भी है, वही शीट जो आपके पास है वही शीट हम लोग स्क्रीन पर भी टेलीकास्ट करेंगे, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि कैसे हम एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। तैयार हैं आप लोग? दोस्तों इसका नाम जो मैंने दिया है स्पेशली, वो इसका टॉपिक का नाम है हाउ टू अर्न 25,000 रुपीज इन नेक्स्ट 6 मंथ फ्रॉम वेस्टीज। क्या आप अगले 6 महीने के अंदर वेस्टीज से 25,000 रुपए महीने की इनकम कमाना चाहेंगे? चैट सेक्शन ओपन है आपके लिए, यस और नो, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों लाखों रुपए की इनकम हम सबको चाहिए, 1 लाख 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, वो भी आएगा 2 to 3 years में, वो भी आएगा, लेकिन विद इन 6 मंथ, आने वाले 6 महीने के अंदर, क्योंकि आज सर्दियां हैं, आज आप अपने घर में हीटर चला रहे हैं, लेकिन यही हीटर जब गर्मी में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जब आप अपने घर में पंखे चला रहे होंगे 6 महीने के बाद, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून महीने तक आप इस सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं तो आप इस बिजनेस से लगभग 25,000 से 30,000 रुपए महीने की मिनिमम इनकम कमा रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम इनकम, कम से कम, ये ज्यादा भी हो सकती है, ये 50,000 रुपए भी हो सकती है, ये 1 लाख रुपए भी हो सकती है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि जून महीना आते आते
आप सबकी इनकम लगभग 25,000 रुपए से ज्यादा होगी ही हो, इस चीज की श्योरिटी मैं लेने को तैयार हूं, अगर आप लगभग अगले आधे से पौने घंटे मेरी इन नियम और शर्तों को मानने के लिए तैयार। क्योंकि फॉर्मूला दोस्तों डिजाइन मैंने नहीं किया, ये हम सभी के एक ग्रेट अपलाइन है मिस्टर राज मोहम्मद सर, उन्होंने ये चीजें हमें बताई, हमें सिखाई, और ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा डुप्लीकेबल लगी, आसान लगी, एक नया व्यक्ति इजीली वे में इसको कर सकता है, तो मुझे भी लगा क्यों ना इसको हम अपने नेटवर्क के अंदर सभी को बताएं, सभी को सिखाएं, ये बहुत आसान है, राइट। सो एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैं ये कह रहा हूं कि आप मिनिमम 25,000 रुपये कमाने वाले हैं, ये मैक्सिमम नहीं है, ये कम से कम है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होंगे, 25 से कम नहीं होंगे, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं। कैसे, आइए बात करते हैं इसके ऊपर। तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी अपनी पीडीएफ निकाल लीजिए, आप मतलब आपने जो शीट बनवाई है वो शीट निकाल लीजिए, वो शीट आपकी काम आने वाली है। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है दोस्तों, क्या आप अगले 5 से 6 महीने में 25,000 रुपये कमाना चाहते हैं, यस या नो? अब आप भी कहेंगे सर ये कोई सवाल हुआ, इसमें तो कोई नो बोलेगा ही नहीं, सभी को 25,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम कमाने कमाने, यस और नो, सबको चाहिए, मैं आपकी बात कर रहा हूं, औरों की गारंटी नहीं लेनी है दोस्तों, हमें अपनी गारंटी लेनी है कि हाँ सर मुझे तो चाहिए, औरों का मुझे नहीं पता लेकिन मुझे चाहिए, राइट। आई होप आप सभी लोगों सभी लोग तैयार होंगे और आप सभी लोगों ने यस में जवाब दिया होगा कि हाँ सर मुझे भी अर्न करना है। दोस्तों मैं बता दूं, अभी यहाँ पर लगभग लगभग 400 लोग हैं हमारी इस मीटिंग के अंदर, और इन 400 में से अगर मैं बात करूं 90% से ज्यादा लोगों की इनकम 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं, 90% से ज्यादा लोग के लोगों की कह रहा हूं मैं, क्योंकि आज की डेट में कोविड की सिचुएशंस के अंदर जिसकी इनकम 30,000 थी वो 25 पे आ गया, जिसकी 25 थी वो 15 पे आ गया, जिसकी 15 थी वो 10 पे आ गया, और जिसकी जिसकी 10 थी वो तो घर बैठा है, उसका रोजगार खत्म हो गया है, और कोविड की सिचुएशन फिर आ चुकी है स्पेशली दिल्ली एनसीआर के अंदर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग शहर से होंगे, लेकिन आज मैं आपको बता दूं दिल्ली एनसीआर के अंदर आज और कल फुल टोटली लॉकडाउन, सब घर में पैक है। आप में से जो लोग यूपी से या अदर स्टेट से बिलोंग करते होंगे, आप सब क्या आप सबको भी इसके बारे में पता नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब जा चुकी है, राइट। तो आज हम दोस्त इसी पे बात करेंगे कि आप 25,000 रुपये 6 महीने में कैसे अर्न कर सकते हैं, और मजे की बात यह है कि सिर्फ 25,000 नहीं होंगे, ये 6 महीने में 25 हो सकते हैं, तो सोच के देखो साल में कितने हो सकते हैं, 2 साल के बाद कितने होंगे, और 5 साल के बाद कितने होने वाले, राइट। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों शॉर्ट टर्म इनकम के ऊपर, शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक अच्छी इनकम कैसे आ सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक शीट है जरा वो निकाल लीजिए फटाफट सभी लोग फटाफट, और आप एक पेन ले लीजिए क्योंकि साथ के साथ वो आपको फिल करनी है, फिल करना मैं सिखाऊंगा, और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आपको भी अपने टीम के अंदर यही शीट भरवानी है, ऐसे ही आपको लोगों को सिखाना है। ये जो आपके हाथ में शीट है, इस शीट की जरूरत आपको कब पड़ेगी पहले तो वो समझो। सबसे पहले आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को जब आप प्लान दे देते हो या CNT अटेंड करा लेते हो, आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दे दी है, उसके बाद आपको एक सवाल ये पूछना है कि क्या सर आप अगले 6 महीने में 25,000 रुपये वस्ती से कमाना चाहेंगे, राइट। प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्लान नहीं देंगे तो वेस्टीज की कोई पिक्चर उसके माइंड में बनेगी नहीं अभी, राइट। तो उसको प्रेजेंटेशन देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, आप चाहे उसकी ऑनलाइन जूम पर प्रेजेंटेशन करा दीजिए, आज की डेट में दोस्तों सुबह 6 बजे मीटिंग होती है, सुबह 11 बजे CNT ट्रेनिंग हो रही है, शाम को 7 बजे एवरीडे CNT ट्रेनिंग होती है, और आपके आपके पर्सनल ग्रुप्स हैं वो भी अपनी अपनी CNT ट्रेनिंग कर रहे हैं, सभी लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, आप सबको करना क्या है, अगर आपके आसपास वो व्यक्ति रहता है आप फेस टू फेस प्रेजेंटेशन दीजिए, अगर वो दूर है तो पहली पहली कोशिश तो ये करिए कि आप उसको 1-to-1 जूम पर मीटिंग दीजिए। अगर आप नए हैं फ्रेशर हैं नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके की जो हमारी हमारी मीटिंग्स एवरीडे होती हैं आप उसके अंदर उसको कनेक्ट करिए, और उसके बाद आपको ये शीट फिल करानी, राइट। चलिए तो आपकी शीट पे सबसे ऊपर एक लिखा होगा माय कमिटमेंट शीट, माय कमिटमेंट का मतलब समझते हैं, कमिटमेंट का मतलब पता है आपको, कमिटमेंट का मतलब होता है दोस्तों वादा। अब आपको अपने आप से एक वादा करना है, एक डायलॉग है सलमान खान का, सुना है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद, यस। तो अब आपको कमिटमेंट करनी है, और अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर ली तो आप इस कमिटमेंट से फिर पीछे नहीं हट सकते,
सोच समझ के कमिटमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस आपके पास है कि हाँ सर मुझे करना है नहीं करना है, ये आपके हाथ में होगा, समझ लीजिए। अगर आप बोलते हो सर यस मैं तैयार हूँ, तो भी आपकी तो आपकी चॉइस है, और आपको लगता है कि सारी शर्तें सुनने के बाद कि सर नहीं 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 मैं नहीं करूंगा, तो भी आपके पास चॉइस है, दोनों तरफ से पास आपके हाथ में, राइट। तो सबसे पहले शीट पे आपको जो पहली शीट है आपकी दोस्तों, अच्छा आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 3 पेज वाली पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाला होगा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 4 पेज वाली शीट का प्रिंट आउट निकाला होगा, और आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने 5 पेज वाली शीट का प्रिंट आउट निकाला है, मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने 5 पेज वाली शीट का प्रिंट आउट निकाला होगा, राइट। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले, जिनके पास पीडीएफ काफी पहले आ चुका था, तो उन्होंने अपनी 3 पेज वाली शीट निकाल रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें एक ही है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको स्लाइड्स बता रहा हूँ वो 3 पेज वाली शीट है, तो सॉरी 5 पेज वाली शीट है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी स्क्रीन पर भी लगभग लगभग यही चीजें रहेंगी। तो आप सभी की स्क्रीन पे सबसे पहले ऊपर आ रहा होगा नाम और कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने का ऑप्शन, राइट। फटाफट नाम भरिए अपना, और आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, फटाफट फटाफट भरिए। मैं देख रहा हूं मेरी स्क्रीन पर सब दिख रहे हैं, और जो नहीं भर रहे हैं वो भी दिख रहा है मुझे, फिल करिए दोस्तों। देखिए सीरियस लीजिए दोस्तों, मजाक मत लीजिए, क्योंकि कल को आप जब किसी व्यक्ति को ये बताने जाएंगे, शीट फिल कराने जाएंगे, उस टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। आपने अगर अभी सीरियसली नहीं सुना होगा या खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो कल ये आप किसी से नहीं करा पाएंगे, और नहीं करा पाएंगे तो ये जो मैं गारंटीड इनकम बोल रहा हूँ, वो गारंटी फिर मेरी तरफ से तो नहीं रहेगी। चलिए आप सभी लोगों ने अपना 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 नाम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर फिल कर लिया होगा, आई होप सभी लोगों ने, राइट। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे बताते जाऊं वैसे वैसे करना है। अब आप मेरे नए प्रोस्पेक्ट हैं, आप मेरे नए प्रोस्पेक्ट हैं। देखिए दोस्तों, आप ऐसे सभी लोग, ज्यादातर लोग ज्वाइन है, लेकिन अब आप जिससे मिलेंगे वो कौन होंगे, वो नए लोग होंगे जिनको आप प्लान बताएंगे और ज्वाइन कराएंगे, हाँ या ना। अब आपको दोस्तों उनसे एक सवाल पूछना है कि आपके सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या है, आपको अपनी लाइफ के अंदर अगर आप एसटी ज्वाइन करते हैं, ये कंपनी ज्वाइन करते हैं, या आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी। तो आपके पास ऑप्शंस हैं दोस्तों, नंबर वन एक्स्ट्रा इनकम यानी कि अतिरिक्त आय, या आर्थिक आजादी, या खुद का बिजनेस, खुद का व्यवसाय, समय की आजादी, जल्दी रिटायरमेंट, सपनों का घर, दूसरों की मदद करना, व्यक्तित्व का विकास, विरासत में छोड़ना, राइट, नए लोगों से मिलना, मनपसंद कार, विदेश यात्रा। बहुत देखो सभी, ये मत सोचिएगा कि हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, हर इंसान को पैसा ही चाहिए और वो आर्थिक आजादी पे ही टिक लगाएगा, ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है। आपको लगाना है किसी एक पर टिक। दोस्तों चाहिए तो हमको सब, मुझे बताइए क्या हमको घर नहीं चाहिए, क्या गाड़ी नहीं चाहिए, क्या टाइम नहीं चाहिए, क्या पैसा नहीं चाहिए, क्या हम फॉरेन ट्रिप घूमना चाहते हैं, ये तो सब चाहिए। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं सर आपको सिर्फ एक चीज सुनने का मौका मिलेगा, सबसे पहले एक ही चीज सुनने का मौका मिलेगा, तो आप इसमें से क्या चीज सुनेंगे सबसे पहले, प्रायोरिटी क्या है हमारी। ज्यादातर लोग हो सकता है आर्थिक आजादी चुने, एक्स्ट्रा इनकम चुने, लेकिन और भी लोग होंगे जो ये नहीं चुन सकते। मैं बोलता हूं कि सपोज करो हमारे हम ही में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी इनकम 2 लाख 3 लाख 5 लाख, बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, पैसा बहुत है, लेकिन फुर्सत नहीं है उसके पास, तो वो क्या चुनेगा, वो चुनेगा टाइम फ्रीडम, है ना, उसको टाइम चाहिए, वो समय की आजादी पर टिक लगाएगा। जिसके पास घर नहीं है, जो इंसान 15,000 की जॉब करता है और उसके पास 5-7,000 रुपए किराए में चले जाते हैं, तो सबसे पहले पैसा बाद में लगाएगा, पहले कहेगा यार घर आ जाए, 25 गज की आ जाए, क्यों ना पहले सबसे पहले घर आ जाए। तो आपकी प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है, आपको सभी को अपनी किसी एक प्रायोरिटी पर टिक लगाना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वो कौन सी है। आई होप आप सब ने उसके आगे टिक लगा दिया होगा, राइट। जैसे सपोज करिए आपने लगाया सर, आपने लगाया यहाँ पे, सपोज करिए यहाँ पे सपनों के घर पे आपने यहाँ पर टिक लगा दिया कि सर मुझे अपना सपनों का घर चाहिए, पहले पैसा बाद में भी आएगा, बाय प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले मुझे घर चाहिए। या फिर आपने कहा सर आर्थिक आजादी, आपको यहाँ पर टिक लगाना है, किसी एक पर, सब पे मत लगा देना, किसी एक पर लगाना है, राइट। अब मेरा दोस्तों आपसे एक सवाल है, पहला सवाल आपसे है कि आपने इसी को क्यों चुना। आप एक फ्रेशर व्यक्ति हैं, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा, आपने जो भी टिक लगाया है, आपने इस पे टिक क्यों लगाया, आपने इसी को क्यों चुना। ऑप्शंस आपके पास 12 थे, 12 में से ये क्यों लिया आपने, कुछ जवाब होगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यस और नो। अच्छा चलिए हम एक काम करते हैं, किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं, राइट।
हम चलते हैं मिस्टर मयंक जी। यस, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हम जाते आपने उसको किस गाली नाम भी बताया देते सर? और पिलाते आर्थिक और उल्टा आर्थिक आजादी पे टिक लगाया है ऐसा। आपने। ओके, आपने इसी पे इसको क्यों चुना? सर मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिनकी वजह से अभी मतलब मैं जॉब भी कर रहा हूँ। ओके, हाँ, और मुझे मतलब जो चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है। चलिए, वो नहीं मिल रहा है। आपने आप मेरे पहले सवाल का जवाब हो गया कि इन्होंने इसको क्यों चुना, क्योंकि अभी जॉब कर रहे हैं, फाइनेंशियल थोड़ी दिक्कत है, इसलिए फैमिली को दिक्कत है। मेरा दूसरा सवाल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? सर अगर मतलब सर मैं ये नहीं अचीव कर पाऊंगा तो सर मैं जो चाहता हूँ वो मैं नहीं अचीव कर पाऊंगा और आगे मतलब कुछ नहीं फिर हो पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट। मेरा तीसरा सवाल आपसे है, ये एक तरह से मैं सवाल मैं आप सभी लोगों से कर रहा हूँ, सिर्फ मयंक जी से नहीं कर रहा, मैं आप सभी लोगों से कर रहा हूँ। मेरा तीसरा सवाल आपसे है, यदि आपको ये मौका ना मिले, यदि आपको वेस्टिज बिजनेस ना मिले, तो इसके क्या परिणाम होंगे? सर कहीं ना कहीं हम लोग एक साइकिल में फंस जाएंगे और जो कर रहे हैं वही करते रह जाएंगे, बट जो एक्स्ट्रा जो अचीव करना चाहते हैं, जो रियलिटी हमारी जो होती है, जो हमारे रियल ड्रीम्स होते हैं, जो हमारे रियल गोल्स होते हैं, उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। गुड। एंड एक लास्ट सवाल आपसे है कि अगर आपको ये चीजें हासिल ना हुई, अगर आपको ये चीजें ना मिली, तो क्या आपको टेंशन होती है? यस सर। सुनो, देखो आप सभी लोगों ने सुना, अगर आपको ये मौका ना मिले, या आप सभी लोगों ने जिस पर टिक लगाया है कि घर, पैसा या कार या फिर आर्थिक आजादी, अगर आपको ये ना मिले तो क्या टेंशन होगी कि नहीं होगी? यस और नो? बिल्कुल सर, हम सभी को टेंशन होने वाली है। चलिए गुड, थैंक यू सो मच मयंक जी। सो देखिए, ये जवाब मयंक जी का था, लेकिन आप सबने कहीं ना कहीं इसका जवाब देना है, और आप जिससे भी सवाल पूछेंगे तो ये जवाब जरूर लेना है, और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा अभी आपको कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? अच्छा, अब मयंक जी ने सारे सवालों के जवाब दिए, अब मैं एक काम करता हूं, मयंक जी से एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप अगले 5 से 6 महीने में 20 से 30 हजार, 25 से 30 हजार कमाना चाहेंगे? तो मयंक जी का जवाब छोड़ो, सबकी सबका जवाब यही होगा कि हाँ सर, बिल्कुल चाहिए, हम सभी चाहते हैं, राइट? अच्छा, मैं अब एक सवाल, एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग आप समझा चुके हो, क्योंकि आपने प्लान बता दिया है डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग नहीं बताया तो आपको समझाना होगा कि सर कंपनी होती है, कंपनी कस्टमर बीच के पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ये सब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है आप सबको, राइट? आप सब जानते हैं कि बीच का 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन एक सवाल उससे करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर एक आम आदमी पैसा कहाँ कहाँ से कमाता है? आप यहाँ पर देख रहे हैं पैसा कहाँ कहाँ से कमाता है, वो या तो वो जॉब से कमाएगा, या वो छोटा मोटा बिजनेस करके कमाएगा, या कोई प्रोफेशन होगा, या लॉयर हुआ, या कहते ना डॉक्टर हुआ, वो उसका प्रोफेशन है, वो अपने प्रोफेशन से ये पैसा कमाएगा, हाँ या ना? अब मेरा अब एक सवाल है, फिर पूछिए, फिर आप सामने वाले से पूछ सकते हैं, इवन मैं आपसे पूछता हूं, सर एक बात बताइए, आपके खर्चे ज्यादा है या आपकी आमदनी ज्यादा है? आप सब क्या जवाब देंगे? मैं आपसे पूछता हूं, सर आपके खर्चे ज्यादा है या आपकी इनकम ज्यादा है, तो क्या जवाब आता है दोस्त? सर हमारे खर्चे ज्यादा है, अगर हम 25,000 कमाते हैं, खर्चे हमारे 30,000 के हैं, वो तो हम कैसे सिकुड़ के रह रहे हैं, हमें पता है। हम 40,000 कमाते हैं तो खर्चे हमारे 50,000 है, हमें पता है हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, यानी कि खर्चे हमारे ज्यादा है और इनकम कम है। अच्छा, खर्चे हमारे बढ़ेंगे या घटेंगे आने वाले टाइम में? खर्चे हमारे हमेशा बढ़ते रहेंगे, ये कभी कम नहीं होंगे। लेकिन इनकम के बारे में मैं पूछूं सर या मैम आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि अगले 1 महीने में आपकी इनकम बढ़ेगी, अगले 5 महीने में आपकी इनकम बढ़ेगी, जो काम आप अभी कर रहे हैं, जो जॉब आप कर रहे हैं, जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपकी इनकम बढ़ेगी? क्या 1 साल के बाद भी इनकम बढ़ेगी? नहीं, इनकम नहीं बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी भी तो उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ेगी जितनी रफ्तार से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। यस और नो? तब आप उनको बता सकते हो सर ये वेस्टिज एक ऐसा बिजनेस है जो आपको इनकम बढ़ाने का एक मौका देता है, राइट? अब एक सवाल, अब आप उनको बता सकते हो दोस्तों कि वेस्टिज के प्रोडक्ट ही क्यों लेने हैं। वेस्टिज के प्रोडक्ट लेने का सबसे पहला कारण, ये एक केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, क्योंकि आप CNT दे चुके हो, प्लान दे चुके हो, या CNT वो अटेंड कर चुका है, तो वेस्टिज के प्रोडक्ट जो है केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, आप सबको पता है केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। आप डेमो कर सकते हैं दोस्त, वेस्टिज के हर प्रोडक्ट का डेमो है, कोई एक डेमो करके दिखाइए, आप सब लोग फ्लैक्सीड ऑयल का डेमो करके दिखाते हैं,
एक आध डेमो और करके दिखा दो, कोई दूसरा साबुन का करके दिखा दो, फ्लोर क्लीनर का दिखा दो, टूथपेस्ट का दिखा दो, एग्री का दिखा दो, हमारे पास ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट का डेमो है, आप फेस वॉश का डेमो करके दिखा दो, बहुत सारी चीजें, राइट। तो हमारे पास एक केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, आपको इसलिए लेना है। नंबर टू, कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कौन से है, कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट। कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट क्या है, देखिए प्रोडक्ट्स हम सभी यूज करते हैं, अगर मेरे पास कोई मोबाइल फोन है, यूज तो मैं करता हूं, क्या मैं इसका रेगुलर रेकरिंग यूजर हूं, क्या मुझे मोबाइल फोन हर महीने खरीदना है, अगर मैंने शूज खरीदे हैं क्या मुझे वो शूज हर महीने खरीदने, मैं इसके एक रेकरिंग कंज्यूमर नहीं हूं, यस और नो। लेकिन अगर मैं आपके घर के अंदर ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स बताऊं, आप घर में नमक लाते हैं, चीनी लाते हैं, चाय पत्ती लाते हैं, शैंपू लाते हैं, ये सब रेकरिंग प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है, ये हमको हर महीने चाहिए। तो वेस्टीज किस किस में डील करती है, वेस्टीज डील करती है आपको कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स में। नंबर थ्री, यहां पर आपको इनकम हर महीने आती है, क्या इनकम हर महीने, दोस्त अगर आप 1000 की शॉपिंग करते हैं तो भी आपकी इनकम बनती है, अगर आप 10000 की शॉपिंग करते हैं तो भी आपकी इनकम बनती है, अगर आप एक कुछ भी परचेज करेंगे, एक साबुन भी खरीदते हैं इस बिजनेस से तो आप तो भी आपकी इनकम बनेगी। लेकिन क्या किराना की दुकान से आज तक इनकम बनी, नहीं। नेक्स्ट, गारंटीड जीएसटी बिल, ये बिजनेस आपको गारंटीड जीएसटी बिल देगा। नंबर नेक्स्ट, 30 डेज मनी बैक गारंटी, अगर आपको ये चीजें अच्छी ना लगे 30 दिन के अंदर अंदर आप ये प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ओवर इंडिया, आप इस बिजनेस से पूरे भारत में बिजनेस कर सकते हैं, इसी अपॉर्चुनिटी से पूरे भारत में बिजनेस कर सकते हैं, भारत ही नहीं आप 9 देशों में व्यवसाय कर सकते हैं, राइट। अब मुझे बताइए सामने वाला तैयार है करने के लिए, लेकिन देखो हर चीज की एक शर्त होती है, आपने कभी आपने वेस्टीज के जितने भी ऑफर्स देखे हैं आपने कभी नीचे की तरफ पढ़ा है, हमेशा नियम शर्तें टर्म्स कंडीशन लिखी होती है, राइट कि अगर आपको डबल पीवी मिल रहा है तो आपको क्या करना होगा, कई बार आपने देखा होगा सर फर्स्ट बिल एक साबुन लेना पड़ेगा उसके बाद डबल पीवी मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, अगर आप ये सब नहीं पढ़ोगे तो मिस कर जाओगे, आपका एक्स्ट्रा पीवी या एक्स्ट्रा ऑफर जो है वो फर्स्ट परचेजिंग पे है या रीपरचेज पे, ये सारी चीजें कहां लिखी होती है, नीचे टर्म्स कंडीशन में, वो पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वो नहीं पढ़ोगे तो नुकसान किसका। तो दोस्त अब बात करते हैं उन टर्म्स कंडीशन का, आप अगले 5 से 6 महीने में 25 से 30 हजार रुपए कमाना चाहते हैं लेकिन कुछ शर्तें तो होंगी जो आपको अगले 6 महीने फॉलो करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, क्या है वो शर्तें, वो शर्तें हम समझ लेते हैं, वो टर्म्स कंडीशन क्या है। सबसे पहली शर्त, चैलेंज ले रहा हूं दोस्तों, गारंटी मैं करता हूं 25,000 रुपए की इनकम मैं आपको गारंटी लेता हूं, श्योरिटी लेता हूं कि 25,000 रुपए से कम की इनकम नहीं आएगी, लेकिन अब जो शर्तें मैं बता रहा हूं उसकी गारंटी आपको लेनी है, वो शर्तें आप फॉलो करनी है। सबसे पहली शर्त क्या है आपकी, आपको 40 पीवी की अपनी खरीदारी करनी है 6 महीने लगातार 12 तारीख से पहले। अच्छा 40 पीवी ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब मिनिमम 40 पीवी मैंडेटरी है लेकिन आप ज्यादा की परचेजिंग भी कर सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 60 पीवी की कंसिस्टेंसी ले रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 100 पीवी परचेज करते होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर के अंदर 150-200 पीवी का सामान भी आता है, 400-400 पीवी का सामान भी आता है। तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि 40 पीवी करना है, लेकिन मैं ये फोर्स जरूर कर रहा हूं कि मिनिमम 40 जरूर करना है, आप 40 की जगह 400 करिए चलेगा, लेकिन 40 की जगह 39 नहीं चलेगा। तो क्या आप ये शर्त मानने को तैयार है कि आप अगले 6 महीने तक 12 तारीख से पहले मिनिमम कम से कम 40 पीवी की शॉपिंग करेंगे, क्या आप ये शर्त मानने को तैयार है, हाँ या ना, यस। अगर कोई मानने को तैयार ना हो तो चैट खुला है, एक बार नो कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम सी बोल रहा हूं, मिनिमम इतना भी नहीं हुआ तो वेस्टीज छोड़ दो, 1200 रुपए का सामान भी अगर हम नहीं ले सकते तो वेस्टीज करने का दोस्त कोई फायदा ही नहीं है, राइट। दूसरी शर्त हमारी क्या है कि आपको अपनी 4 फ्रंट लेग ओपन करना है, 4 फ्रंट लेग का ओपन का मतलब है दोस्तों आपको 1 महीने के अंदर कम से कम 4 व्यक्तियों को ज्वाइन कराना है, राइट, और उनकी ये शीट भरवानी है जो आप अभी भर रहे हो, आपके हाथ में जो शीट है, पूरे महीने के अंदर क्या आप 4 लोगों की शीट भरवा सकते हो और उनसे क्या कराना है 40 पीवी, आसान है मुश्किल है, आप ज्यादा कराइए कोई दिक्कत नहीं है सर, अच्छी बात है, 25,000 की जगह 50,000 आ जाएंगे 6 महीने बाद तो कोई बुरा है क्या, तो आप ज्यादा की शॉपिंग करा सकते हो, कोई ज्यादा परचेज करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन मिनिमम 40 पीवी तो कर ही सकता है। तो पूरे महीने के अंदर हम 4 लोगों को ज्वाइन करा के क्या हम उनसे 40 पीवी का बिजनेस करा सकते हैं और उनसे शीट फिल करा सकते हैं, राइट। चलिए ये भी शर्त बहुत आसान थी, कोई बहुत हार्ड शर्त नहीं थी, पूरे महीने में इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा तीसरी शर्त के बारे में बात करता हूं,
तीसरी कंडीशन क्या है, आपने जिन लोगों को ज्वाइन कराया है, जिन चार लोगों को ज्वाइन कराया है उनकी भी 40 पीवी की शॉपिंग करानी है, वो भी अगले 6 महीने तक 12 तारीख से पहले। आसान है, वो कोई मुश्किल चीज नहीं है दोस्त। 40 पीवी वो भी सिर्फ चार, 400 लोगों को नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ चार लोगों को बोल रहा हूं, कर सकते हैं पूरे जनवरी महीने में, राइट। तो हमारी शर्तें क्या हुई कि जनवरी महीने में हम सभी लोग जो यहाँ पर 481 लोग बैठे हैं, हम सभी लोग मिनिमम 40 पीवी की शॉपिंग करेंगे, दूसरा 12 तारीख तक करेंगे, तीसरा 6 महीने तक लगातार करेंगे। तैयार है? दूसरी शर्त, जनवरी महीने में मैं अपने चार दोस्तों को ज्वाइन कराऊंगा। आप में से जितने लोगों की फ्रंट लाइनें खुली हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 10 लाइनें आपने जितने भी खोल रखी है, डजंट मैटर, उनका भी सोल्यूशन दूंगा मैं आपको कि उनको क्या करना है। जिनकी ऑलरेडी 4 लाइनें 6 लाइनें खुली है उनको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अभी नए लोगों से क्या कराना है, आपको बोलना है चार लोगों को ज्वाइन कराना है और उनको भी शीट भरवानी है, और उनसे क्या कराना है, 40 पीवी की शॉपिंग। जनवरी में जिन चार व्यक्ति को ज्वाइन कराया उनसे मिनिमम 40 पीवी की शॉपिंग कराइए, और उनसे भी कमिटमेंट करिए कि सर 6 महीने तक करना है लगातार 12 तारीख से पहले, राइट। तीसरी शर्त पूरी जाती है दोस्तों। अब आते हैं हमारी चौथी शर्त और बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है कि आपको कम से कम 2 डेप्थ तक डायरेक्ट फॉलो करना है। डायरेक्ट फॉलो का मतलब क्या है दोस्त, आपको ये देखना है कि आपके 2 डेप्थ तक वो लोग क्या चार लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, क्या वो उनकी 40 पीवी की शॉपिंग करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। 2 डेप्थ तक, 2 डेप्थ का मतलब क्या हुआ दोस्त, आपके फ्रंट के चार और वो चार लोग अपने जिन चार चार लोगों को ज्वाइन कराएंगे, तो पहले व्यक्ति के चार, दूसरे के चार, तीसरे के चार और चौथे के चार, टोटल हो गए 16। नीचे आ गए 16 और फ्रंट में है चार, तो 16 और 4, 20। आपको 20 लोगों का फॉलोअप करना है। क्या कर सकते हैं, 1000 लोगों का फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 20 लोगों का देखना है, क्या ये 20 लोग अपने टाइम पे परचेजिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ये 20 लोग अपने चार चार लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। किया जा सकता है, हाँ या ना, जवाब दे सकते हैं। शॉपिंग 12 से पहले ही रखिए दोस्त। देखिए वैसे कंसिस्टेंसी का 40 पीवी में कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन 12 से पहले पहले कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि 12 से पहले आप शॉपिंग नहीं कराओगे तो 12 से पहले वो जाके लाला की दुकान से शॉपिंग करके आ जाएगा। सैलरी आते है मेरी 7 तारीख को, शॉपिंग करने में कब जाऊंगा, घर का सामान मेरे कब आएगा, 25 तारीख को, अरे अभी तो आएगा। तो शर्त 12 तारीख इसलिए डाली गई है दोस्त कि आपको 12 से पहले पहले ही शॉपिंग करानी है। लोग अपने घर का सामान हमेशा 10-12 से तक ले लेते हैं, बाद में कोई नहीं लेता, बहुत कम होते हैं जो बाद में लेते हैं, राइट। तो ये 4 शर्तें मानने को तैयार हैं आप सब, हाँ या ना? अगर आप ये 4 शर्त मानने को तैयार है तो एक बार जवाब दीजिए यस और नो। ज्यादातर लोग यस कर रहे हैं। तो अब एक काम करना है आप सबको, एक काम करना है, आप स्क्रीन पर देखिए जहां पर मेरा कर्सर दिख रहा है, फटाफट यहां पर साइन करिए अपने। आप एग्री कर गए, आपने यस कहा है अभी, जिसने यस कहा है यहां पर साइन करो फटाफट यहां पर भाई। शर्त अगर एक्सेप्ट है तो साइन करो, नहीं एक्सेप्ट है तो साइन मत करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप ये 4 काम कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो सिग्नेचर करो और फटाफट स्क्रीन पे दिखाओ मेरे को कि हाँ सर मैं एग्री हूं और मैंने ये साइन करके मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं एक व्यक्ति का देख पा रहा हूं कि उन्होंने साइन नहीं किया लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं। ओके, सभी लोगों ने साइन कर दिए। नारायण सर डन या कर रहे हैं, ये लंबे साइन है। ओके रंजीत सर, चलिए ओके। तो सभी लोगों ने सिग्नेचर मार दिए हैं, सिग्नेचर कर दिए हैं, यस और नो, हाँ या ना? अब आप सबसे कहना चाहूंगा, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, देखिए आपकी टीम में आपके डाउनलाइन कौन कौन है यहाँ पे, आप सभी के जो भी डाउनलाइन यहां पर बैठे हैं जितने भी उनके अपलायंस है, मैं आप सबसे कहूंगा जिन जिन लोगों ने ये साइन किया आप सबको ये ऊपर वाली शीट निकाल के अपने अपलायन को देनी है, और अपलायन को बोल रहा हूं कि आपको अपने डाउनलाइन की शीट लेनी है। समझ में आया? ये शीट जिस पे साइन की है ये शीट निकाल के आप सभी लोगों को अपने अपलाइन को देनी है कि सर ये पकड़ो, मैं शर्त मानने को तैयार था और मैंने साइन कर दिया, ये पकड़ो। तैयार हैं आप सब? और जितने भी अपलाइन से मैं आप सबसे भी बोल रहा हूँ फटाफट ले लेना, वो तो हाँ कर रहे हैं लेकिन कल को आप नहीं लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए कह रहा हूँ आपके जो भी डाउनलाइन आज इस मीटिंग में आए हुए हैं आप सब उनको देखो कौन कौन आया हुआ है, उसने साइन किए हैं और किए हैं तो फटाफट आज और कल के अंदर
विद इन टू डेज फटाफट ये ऊपर वाली कॉपी आप ले लीजिए, राइट? तैयार है? डन। अब आगे चलते हैं दोस्त, असली कहानी अब शुरू होती है। ये तो एक इतना गवाहीनामा था ये जो आपने अपलाइन को दे दिया। अब आते हैं असली शीट पे, जो मेन शीट है जो आपके पास रहेंगी। अब जो बाकी की शीट बची ना, ये आपके पास रहेंगी। पहली शीट ही अपलाइन की थी, ये आपकी नहीं थी, ये आपके अपलाइन की थी। और ईमानदारी से दे देना, ठीक है? अब जो चार शीट बची हैं वो आपकी हैं, और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे दूसरी शीट में लगभग आधा पेज वही है जो आपने पहले देखा था। जो चीज मैंने आपको समझाई है, एक कॉपी उसका आधे पेजेस जो है वो आपके पास है। ये वाली शीट है, इस पे भी साइन कर लीजिए, ये आपके पास रहेगी। दूसरा शीट है ना, उस पे नीचे देखिए सिग्नेचर करने का ऑप्शन आ रहा है, साइन करने का यहां पर ऑप्शन आ रहा है, यहां पर साइन करिए, ये कॉपी आपके पास है। अब दोस्तों मैं आप सबको बोलूंगा, आप में से कोई भी व्यक्ति 6 महीने के बाद ये नहीं कह सकता कि सर मुझे पैसा नहीं आया, और आपके अपलाइन में से कोई ये नहीं कह सकता कि सर मैंने मेहनत नहीं करी। अपलाइंस के पास पेपर है, डाउनलाइन 6 महीने को काम करने को तैयार है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलाइंस की तो मैं लेता हूं, एज अपलाइन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। अगर आपने इनमें से एक भी शर्त नहीं मानी अगले 6 महीने तक, तो मेरी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर ये 4 शर्तें आप मानते रहे तो 6 महीने के बाद पूरी गारंटी मेरी है। अब आप शर्त तोड़ते हो तो नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं, ठीक है? आगे आते हैं दोस्त। देखिए साइन कराने बहुत ज्यादा जरूरी थे दोस्त, एक जगह अगर साइन करा देते ना, आदमी सीरियस हो जाता है बिजनेस को लेकर, हर चीज को लेकर सीरियस हो जाता है। जब तक साइन नहीं थे, ज्वाइनिंग भी फ्री में हो गई थी, आधार कार्ड की फोटो खींच के अपलोड किया था ना, पेपर पे साइन कराए, आज तक तो कहीं साइन हुए नहीं। आज जब आपने साइन किया ना, तो अंदर से अब आपको एक आवाज आएगी कि यार साइन करके दिए, मैंने नहीं किया तो अपलाइन छोड़ेगा नहीं मुझे। चलिए दोस्त अब आगे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट गेम है वो आप समझते हैं। शर्त के हिसाब से, जो आपकी 4 शर्त थी, शर्त के हिसाब से अब क्या होने वाला है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले महीने जनवरी महीने के अंदर आपने वादा किया है 4 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, हाँ है ना? आप सभी ने वादा किया है कि जनवरी महीने के अंदर 4 लोगों को ज्वाइन कराएंगे और 40 PV की शॉपिंग कराएंगे। ये आपकी फर्स्ट मंथ है आपका, जो ऊपर की तरफ आप यहां देख रहे हैं। नीचे फरवरी महीना आएगा दोस्त, फरवरी महीने के अंदर आपके जो 4 लोग हैं उनके पास भी ये शीट है, वो लोग क्या करेंगे, वो भी ये शीट अपने डाउनलाइन से भरवाएंगे और 4 फ्रंटलाइन को ज्वाइन कराएंगे। जनवरी महीने में आपने अपने 4 को कराया और फरवरी महीने में उन 4 ने अपने 4 फ्रंटलाइन को ज्वाइन कराया फरवरी महीने में, तो कितने नए लोग ज्वाइन कर गए, 16। फ्रंट में आपके 4 हैं और उनके डाउनलाइन में फिर 4 फरवरी महीने में, तो टोटल 16 लोग आ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्त, तीसरे महीने के अंदर आपके पास 16 नए लोग आए थे, ये लोग फिर यही शीट अपने डाउनलाइन से फिल करवाएंगे, राइट? तो तीसरे महीने में ये 16 लोग अपने 4 लोगों की शीट भरवाएंगे, तो टोटल नए लोग आ जाएंगे 64। अच्छा, आपको कहां तक फॉलो करना है, शर्त नंबर 4 ऊपर पढ़ो। शर्त नंबर 4 क्या है, आपको कम से कम 2 डेप्थ तक फॉलो करना है। 2 डेप्थ कौन सी है, पहली है 4 और दूसरी है 16। तो 16 और 4 20, आपको सिर्फ इन 20 लोगों को देखना है कि क्या ये 20 लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बाकी को आपके आपको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाकी को कौन देखेगा, अब बाकी को ये 4 जो ये 4 लोग हैं इन्होंने भी साइन कर रहे हैं, ये अपने 2 डेप्थ देखेंगे। 2 डेप्थ कौन से देखेंगे, 16 और 64 ये देखेंगे, जो 16 वाले 64 और 256 वो लोग देखेंगे, क्योंकि शर्त इन्होंने भी मानी है। देखिए यहां पर ना कायम काम डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा लोगों को नहीं फॉलो कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति 20 लोगों को तो आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो थर्ड मंथ में हमारे पास 64 लोगों का नेटवर्क बनता है, फोर्थ मंथ में 64 लोग 4 शीट भरवाएंगे तो 256 लोगों का नेटवर्क बनता है, फिफ्थ मंथ में 256 लोग 4 लोगों शीट भरवाएंगे तो 1024 लोगों का नेटवर्क बनता है, और छठे महीने, क्योंकि 6 महीने के बाद 25,000 रुपए गारंटी ले रहा हूं, तो छठे महीने यही 1024 लोग अगर 4 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो हमारे पास 4,096 लोगों का नेटवर्क बनता है, 4,096। अगर आपने डिक्टो ये डुप्लीकेट कर दिया, अगर आपने एज इट इज जैसा यहां पे 6 मंथ का लिखा है आपका पूरा नेटवर्क डुप्लीकेट कर गया तो क्या होगा, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश समझाने की कोशिश करता हूं। इनकम रेशियो समझते हैं, अगर आपके ये 4,000 लोग, राउंड फिगर में ले लिया है, वैसे 4,096 है, इसको राउंड फिगर लेते हैं, अगर ये 4,000 लोग सिर्फ 40 PV की शॉपिंग करते हैं, यानी कि 1,200 रुपए की शॉपिंग करते हैं, तो दोस्त आपका टर्नओवर कितना होता है,
40 लाख। आपका टर्नओवर होता है 40 लाख, और 40 लाख पे आपकी वेस्टिज के नया आत्मनिर्भर प्लान की नया सक्सेस प्लान के हिसाब से आपकी इनकम होगी लगभग 4 लाख रुपए। अगर आप इसको 100% एज इट इज फॉलो कर गए, आपकी पूरी की पूरी टीम इसको एज इट इज फॉलो कर गई, तो आपकी इनकम बनेगी 4 लाख रुपए महीने की, राइट? लेकिन अगर देखो, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीरियस होंगे बिजनेस को, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सीरियस नहीं होंगे, जो आज तो साइन कर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग, लेकिन कल को भूल जाएंगे कि मैंने कोई शीट भरी थी, और कल को वो किसी व्यक्ति को ज्वाइन भी नहीं कराएंगे। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन खैर यहां पर तो कोई नहीं होगा, लेकिन कल को आप किसी को कराओगे तो वो ऐसा अनसीरियस हो सकता है। अगर उन्होंने आगे ज्वाइनिंग नहीं कराई तो क्या होगा? तो हमारे 4000 लोग होंगे ही नहीं सर। अगर एक भी व्यक्ति ऐसा निकल गया जिसने ये काम बीच में रोक दिया, जिसने शीट भरनी भरानी बंद कर दी, तो हमारे 4096 लोग पहुंचेंगे ही नहीं। हाँ, है ना? आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर बोल तो दिया, लेकिन ऐसा होगा कैसे? मैं तो देख लूंगा, लेकिन नीचे वाले नहीं किया तो? दोस्तों, मैंने साइन इसीलिए करवाए। आप मत देखो 4000, आप 20 की गारंटी लेते हो कि 20 को मैं कर दूंगा। आप अपनी 20 की गारंटी लीजिए, आप 20 की गारंटी लेते हैं, 4096 की गारंटी हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि आप गारंटी लेते हो तो वैसे करके नीचे वाले 16 लोग हैं वो भी तैयार हैं, 2464 लोग वो भी तैयार हैं। लेकिन अगर ये 100% रिजल्ट्स नहीं आते, अगर इसके 50% यानी कि आधे रिजल्ट्स आते हैं, आधे रिजल्ट्स का मतलब दोस्त, अब आपके पास 4000 लोग नहीं है, अब आपके पास इसके आधे ही लोग हैं। टोटल कितने अब लोग हैं? हमारे पास सिर्फ 2000 लोग हैं। अगर 6 महीने के बाद 4000 की टीम नहीं बनी, अगर 2000 लोग की टीम भी बनती है, 40 पीवी की शॉपिंग करते हैं, 1200 का टर्नओवर, टर्नओवर होगा 24 लाख रुपए का, आपकी इनकम बनेगी 2 लाख रुपए महीने। हाँ, है ना? चलिए, और मैं इसको और थोड़ा स्ट्रक्चर को देखता हूं कि भाई कुछ ज्यादा ही लोग ऐसे मिल गए जो शीट फॉलो नहीं कर रहे। अगर इसके आधे नहीं, उसके भी आधे यानी कि 50% रिजल्ट नहीं आता, अगर केवल 25% रिजल्ट आता है, तो हमारी टीम में होंगे लगभग 4000 नहीं, उसके 25% 1000। 1000 लोग अगर 1200 की शॉपिंग करते हैं, आपका टर्नओवर होगा दोस्त 12 लाख रुपए का, और आपकी इनकम आएगी 1 लाख रुपए। अगले 6 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम पहुंच सकती है, अगर हमारा 1/4 रिजल्ट भी आता है। ये भी अगर नहीं होता, अगर ये भी नहीं होता, उसका भी आधा रिजल्ट आता है, यानी कि 100 में से 12 लोग शीट भर रहे हैं, 88 लोग शीट नहीं भर रहे हैं, केवल 12% रिजल्ट आता है, तो भी हमारे पास 4096 नहीं हुए। मानता हूं 500 लोग होंगे 6 महीने बाद। अगर 500 लोग भी हमारे पास 6 महीने बाद होते हैं, 1200 रुपए की शॉपिंग करते हैं, 6 लाख का टर्नओवर, 50000 रुपए महीने की इनकम आएगी आएगी। हाँ, या ना? कितने मना करेंगे सर? 100 में से 88 लोग शीट नहीं भर रहे यार, इससे ज्यादा क्या मना लोग, सिस्टम कहां कितना बिगड़ेगा। एक स्टेप और चले जाते हैं दोस्त, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। इसका भी आधा कर दो, 12% रिजल्ट नहीं आता, केवल 6% रिजल्ट आता। 6% का मतलब समझ रहे हो सर? आपकी टीम में 100 लोग हैं और केवल 6 लोग शॉपिंग कर रहे हैं, 94 लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। अब तो हो सकता है दोस्त, अब तो कोई ये नहीं बोलेगा कि सर शॉपिंग नहीं कर रहे लोग। अरे मैं कह रहा हूँ 100 में से 94 लोग इनएक्टिव हैं, केवल 6 लोग ऐसे हैं जो शॉपिंग करते हैं। अगर 6% भी रिजल्ट आता है, जो हमने प्लान किया है उसका 6% रिजल्ट आता है, 6% का मतलब अगले 6 महीने में सिर्फ 250 लोग ऐसे आप क्रिएट कर पाए जो ये शीट भरने वाले हैं, जो इस MCS शीट को भरने वाले हैं, जो कमिटमेंट लेने को तैयार है कि हाँ सर मैं करूंगा। ठीक है, 94% फ्लॉप निकलेंगे। अगर हम इस रेशो को बीच लेकर चलते हैं तो 250 लोग हमारे पास बनते हैं, 40 पीवी की शॉपिंग होती है, 3 लाख रुपए का टर्नओवर होगा, और 3 लाख का टर्नओवर पे आपकी एवरेज इनकम आएगी लगभग 25,000 रुपए। अब आप मुझे बताइए सर, कितना सिस्टम बिगड़ेगा, कितने कितने लोग रिजेक्ट करेंगे, कितने लोग मना करेंगे? 100 में से हद मार के 94 लोग मना कर सकते हैं। आप अपने नेटवर्क में देख लीजिए, एटलीस्ट 6% लोग तो होंगे जो शॉपिंग करते होंगे। अगर आपकी टीम में 100 लोग है ना, तो आप चेक करिए क्या 100 में से क्या 6 लोग परचेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा कर रहे हैं। मानता हूं कि 100 के 100 नहीं कर रहे, 100 में से 50 नहीं कर रहे, लेकिन इतना भी बुरा रेशियो नहीं है कि 100 में से 6 भी शॉपिंग नहीं कर रहे, इतना तो कर रहे होंगे, 40 पीवी तो कर ही रहे होंगे, कंसिस्टेंसी नहीं चला रहे लेकिन 40 पीवी तो कर सकते हैं। तो 6% रिजल्ट भी आएगा तो 25,000 रुपए महीने की इनकम अगले जून तक आपकी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, छठा महीना आपका है,
आपकी जो डाउनलाइन है उसका पांचवा महीना है, जुलाई में उसके भी छह महीने पूरे होने वाले हैं। आपके जो फ्रंट में चार थे इनके भी अगले महीने यानी कि जुलाई में छह महीने पूरे होने वाले हैं, यानी कि उनकी उन चारों लोगों की इनकम एटलीस्ट 25,000 होने वाली है जुलाई में। जून में आपकी हुई, जुलाई में उन चारों की होने वाली है। आपको पता है जुलाई में अगर उन चारों लोगों की 25,000 रुपए इनकम होगी तो आपकी कितनी होगी जुलाई में? 25,000 रुपए का मतलब है एटलीस्ट एक लाइन से एलओवी आ रही होगी, उसको सिल्वर डायरेक्टर का लेवल लोगे तब जाके 25,000 मिनिमम। आप सोच के देखो आपकी तो चार लाइन से एलओवी हो गई, चार लाइन से एलओवी का मतलब है लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का चेक जा सकता है। ये तब मैंने बात की जब केवल 6% रिजल्ट आया। इसका भी आधा कर लोगे तो भी यार 12-15 हजार रुपए का चेक तो फिर भी आएगा यार, कितना नीचे जाएंगे अगर 6 महीने में 12-15 हजार, इतना तो जाने की सोचो भी मत यार, कम से कम 25,000 रुपए तो चाहिए चाहिए, राइट। अब बात करते हैं दोस्त, जब हम किसी व्यक्ति के पास इस शीट भरवाएंगे, जब आप ये सारी चीज समझाएंगे, मैं मानता हूं दोस्तों ऑब्जेक्शन आएंगे लोग सब, जब आप किसी को 6x6 समझाते हो ना कि 6 महीने के 6 6 6 36 216 ऐसे करते हैं तो सब बोलते हैं अरे ऐसे थोड़ी जुड़ जाते हैं। मानता हूं सब नहीं जुड़ेंगे, 6% रिजल्ट भी आएगा तो भी 25,000 रुपए की इनकम आएगी और इससे कम नहीं आएगा, इससे कम तो आएगा नहीं, गारंटी मेरे से ले लो। क्यों? क्योंकि आपके पास ये एमसीएस सीट है, आप अपनी टीम से सीट फिल करवा रहे हैं। आगे बात करते हैं अगली सीट के ऊपर, आपके पास एक अगली सीट और है दोस्तों। एक बहुत बड़ा चैलेंज सभी लोगों को आता है जब आप इस बिजनेस को किसी को ज्वाइन कराते हो, तो जब आप शॉपिंग कराने जाते हो तो शॉपिंग कराने में थोड़े चैलेंजेस आते हैं कि सर क्या लें क्या ना लें, क्या जोड़ें क्या घटाएं, क्या मेरे घर में यूज होगा क्या नहीं होगा। प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, आप वेस्टिजन हो आपके पास तो 200 PV के यूज हो सकता है, लेकिन जो एक नया व्यक्ति आता है वो बड़ा कहता है ये डालो ये हटाओ, अरे ये नहीं चाहिए, अरे वो नहीं चाहिए, अरे ये आप, मैं आपसे एक छोटा सा चेंज करने के लिए कहता हूं। अगर आप इस एमसीएस शीट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक छोटा चेंज करने के लिए कहता हूं, आपको ऑप्शन देने ही नहीं है। इस एमसीएस शीट का रूल है कि आपको 40 PV लोगे तो आपको यही लेना है, नहीं तो बाद में इंसान बड़ा कंफ्यूज रहता है ये डालो वो हटाओ, 40 बनते नहीं है वो 39 रह गए, अब हटाऊं क्या जोड़ूं क्या, वो कैलकुलेशन में सारा खराब हो जाता है। आपके पास ये शीट है, आपके पास ये जो 40 PV के ऑप्शन है और ये हर घर में यूज होते हैं, अगर कोई 12,000 कमाता है उसके घर में भी यूज होते हैं, अगर कोई 50,000 कमाता है तो उसके घर में भी यूज होते हैं। ये वो मैंडेटरी प्रोडक्ट्स हैं जो हर घर में यूज होते हैं। मुझे बताइए क्या राइस ब्रांड तेल घर में लगेगा कि नहीं लगेगा? चाय पत्ती का पैकेट, नीम का साबुन, कॉम्प्लेक्शन बार, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, ये हमारे घर में लगते हैं? ये कंपलसरी बोल दो कि सर ये यही लेने, आपको कुछ और नहीं सोचना, ये पहली किट समझ लो आप। एक स्पेरोला इसलिए डाला गया दोस्त, COVID-19 थर्ड फेज आ गया, इम्यूनिटी फिर से मजबूत करके रखो, और ये मैंडेटरी है चाहे कोविड हो चाहे ना हो, ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाए फिर भी स्पेरोला तो इम्यूनिटी बूस्ट के लिए लेना पड़ेगा, हेल्थ अच्छी रखनी तो लेना पड़ेगा। तो पहले महीने की शॉपिंग में बोल दो सर आपको यही लेना है, जब दूसरे महीने की शॉपिंग आएगी तब तक वो CNT अटेंड करेगा, प्रोडक्ट्स के बारे में जानेगा, दूसरे महीने भैया कुछ और ले लेना चलेगा, लेकिन पहले महीने यही लेना है। अगर 40 PV कर रहे हो तो यही लेना है, तैयार है? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है फर्स्ट टाइम नए व्यक्ति को, राइट। अच्छा, उसके बाद आप उसको समझाइए कि सर हमारे पास ना कंसिस्टेंसी ऑफर भी है। कंसिस्टेंसी ऑफर क्या होता है कि सर 1, 2, 3, 4 चार महीने शॉपिंग करो, पांचवें महीने 1250 के प्रोडक्ट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आप 40 नहीं लेते, अगर आप ज्यादा की अगर लेते हो, थोड़ा सा 20 PV और अगर बढ़ा देते हो आप, यानी कि 40 की जगह 60 PV कर लेते हो, तो कंपनी आपको 4 महीने के बाद 1250 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री देगी। अच्छा, माइंड डाइवर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यार सिर्फ 20 PV और बढ़ाना है, मतलब 600 रुपए का सामान और ले लूं तो 4 महीने के बाद कंपनी 1250 रुपए का सामान फ्री देगी। अब वो माइंड चेंज कर सकता है कि यस एक काम करो 20 PV और बढ़ा दो। तो अब एक और ऑप्शन है हमारे पास, 60 PV करना है, प्रोडक्ट्स की चॉइस हम नहीं देंगे, चॉइस आपके सामने, 60 PV की लिस्ट है सर यही लेना पड़ेगा। क्या क्या है? राइस ब्रैन, चाय पत्ती, नीम, कॉम्प्लेक्शन बार, आपका टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, डिश वॉश, अल्ट्रामेट्रिक और वैसो केयर क्रीम और एक टॉयलेट क्लीनर और एक स्पेरोला, ये सबके घर में लगते हैं, बोलो कि सर पहले महीने तो यही लेना पड़ेगा। फर्स्ट महीने ये दिलवा दो, सेकेंड मंथ जब उसको बिजनेस समझ में आया, जब उसको प्रोडक्ट समझ में आया कि हमारे पास क्या क्या है, तब उसको अपनी चॉइस के लेने देना, लेकिन फर्स्ट मंथ आप बोलो कि सर ये आपके पास यही लेना पड़ेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद आप एक और करते हो, सर हमारे पास एक और कंसिस्टेंसी ऑफर है 100 PV, सर 1, 2, 3, 4 चार महीने शॉपिंग कराओगे, पांचवें महीने लगभग 3,000 MRP के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे आपको, अगर आप 40, 60 छोड़ के अगर आप 100 PV पर जाते हो।
चार महीने शॉपिंग करिए, पांच महीने आपको 2500 DPE या 3000 MRP के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। ये वाला ऑफर लास्ट वाला मैंने उसको समझाया, हो सकता है बात समझ में आए, हो सकता है उसके फैमिली बड़ी, हो सकता है उसके यूसेज ज्यादा हो तो और ज्यादा ले सकता है, आया ना। तो हम उसके पास, हमारे पास एक 100 PV की लिस्ट है जिसमें राइस ब्रांड सारे वही 60 वाले प्रोडक्ट्स हैं, 60 PV वाले प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसके अंदर एक दो प्रोडक्ट और ऐड कर दिया जिसके अंदर एक क्लींजिंग जेल डाल दिया, एक हैंड एंड बॉडी लोशन डाल दिया, एक फेस वॉश डाल दिया, एक हैंड वॉश डाल दिया, एक हमने एक परफ्यूम डाल दिया, बाकी सारी चीजें वही है। अच्छा, ये सारी की सारी यूज होने वाली चीजें हैं, सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट 100 PV में हमने दो और डाल दिए, क्या? एक स्पिरुलिना, एक एलोवेरा, दो चीजें इसलिए डाल दी है, स्पिरुलिना तो चाहिए चाहिए, एलोवेरा भी आज की डेट में कहते हैं ना कि एलोवेरा हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको ये दो प्रोडक्ट्स और ऐड कर दिए। अब आपके पास ये तीन ऑप्शंस, राइट, इन तीन ऑप्शंस में से आप कोई भी, आपको कोई भी 60-40-100 वाली कंसिस्टेंसी आप उसको करा दो, 60-100 वाली करा दो। अगर वो नहीं कर पाता, मिनिमम टू मिनिमम 40 PV के प्रोडक्ट्स तो आपको लेने हैं। अगर आपको 25,000 की श्योरिटी लेनी है, कर सकता है इंसान, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अच्छा, कोई ऐसी चीज नहीं डाली कि एक फ्लैक्स ऑयल, एक नोन नहीं, एक एगनोडर्मा जबरदस्ती भर दिए जी, जबरदस्ती है, लेकिन मुझे पता है कि सर मैं लिस्ट दूंगा, बहुत सारी घर में हॉट डिस्कशन करने के बाद लोगे आप यही, क्योंकि सब यही लेते हैं पहली बार में, तो जो सब लेते हैं हमने पहले ही रख दिया है, राइट। तो ये आपको चॉइस दे देनी है। अच्छा, होगा क्या, तुरंत सामने वाला डिसीजन लेता है, हाँ ठीक है सर, 60 PV के साथ स्टार्ट करता हूँ, ये वाले प्रोडक्ट दिला दो फटाफट स्टोर पे, ये वाले प्रोडक्ट आप उसको दिला दो, आपको कोई ऑर्डर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, स्टोर पे जाओ, बोलो सर ये लिस्ट है, इसके ये वाले प्रोडक्ट चाहिए, तुरंत काम बन गया। तो पहली शॉपिंग आपको ऐसे करानी है, शुरुआत की पहली खरीदारी आपको MCS सीट के थ्रू करानी। आगे आते हैं, अब आपके पास है शीट नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, माई कमिटमेंट शीट की शीट नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपका है फर्स्ट मंथ, एग्जांपल देता हूं, ये आपका फर्स्ट मंथ है, तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है यहाँ पे अपना नाम, अपना आईडी नंबर, राइट, और यहां पर लिखना है आपको बिल ऑफ फर्स्ट मंथ, क्योंकि आप इस MCS शीट को जनवरी से भरना शुरू कर रहे हो, आज से भरना शुरू कर रहे हो, तो आपका ये पहला महीना है MCS शीट का, ज्वाइनिंग आपकी 2 साल पहले की है, 5 साल पहले की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे अपना, आपके लिए फर्स्ट मंथ है, तो आपको यहाँ पर लिखना है आपके इस महीने की पीवी, मानिए मैं सपोज करता हूँ मैंने यहाँ पर किए 120 PV, इस महीने किए मैंने 120 PV, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 120 PV और यहाँ पे लिखूंगा लगभग 4000, जो भी इसका प्राइस बनता है, कि मैंने 120 PV की शॉपिंग करी, उर्फ मैंने अपनी लगभग 4000 की शॉपिंग करी, वो मुझे भरना है यहाँ पे जनवरी मंथ में, यहाँ भरूंगा। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे फरवरी में भरा जाएगा, अभी नहीं भरा जाएगा, जब आप फरवरी में रीपर्चेज करेंगे तो फरवरी में यहाँ भरेंगे, मार्च में यहाँ भरेंगे, अप्रैल में, यहाँ पे लिखा हुआ मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ, 6 महीने तक आपको फिल करना है, फिलहाल जनवरी चल रहा है तो आप सिर्फ ऊपर भरेंगे यहाँ पे, अभी बाकी कॉलम में आप अभी नहीं भरेंगे। जो लोग शॉपिंग कर चुके हैं भरते जाइए अभी, जो लोग शॉपिंग इस महीने अपनी कर चुके हैं, आप यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में आप यहाँ पर अपना पीवी भरिए और अमाउंट भरिए, आपके बिल का अमाउंट क्या था वो यहाँ पर फिल करिए। जिन्होंने नहीं किए वो कल फटाफट अपनी शॉपिंग करिए, क्योंकि इस MCS शीट का रूल है 12 तारीख से पहले, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास इस शीट को फॉलो करने, तो फिलहाल एटलीस्ट आप सभी लोग लीडर्स जो है वो 12 से पहले पहले अपनी शॉपिंग करके यहाँ पर इसको फिल करिए, राइट। अब आगे आते हैं दोस्त, अब एक नया व्यक्ति, देखिए 4 लोगों को बताएगा और 4 लोग ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, उन 4 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए भी उसके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। अब उस व्यक्ति से आपको क्या कराना है, आपको लिस्ट बनवानी है, कम से कम 50 लोगों की लिस्ट बनवानी है। उन 50 लोगों की लिस्ट को बनाने के बाद जब वो मीटिंग देगा, प्रेजेंटेशन, वो 50 लोगों को आप जब दोगे तो उनमें से कुछ लोग निकल के आएंगे, मैं उसमें से एक एवरेज लेकर चलता हूं, कहते ना 10 में से 1 आता है दोस्त, 10 में से 1 ही ज्वाइन करता है, ज्वाइन तो कई कर लेते लेकिन परचेज एक ही करता है, इस रेशियो को समझ लेना। तो अब 50 को बताओगे तो 5 आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमारे हमारे रूल की हमारी शर्त एक क्या थी कि हमें अपने 4 लोगों को ज्वाइन कराना है जनवरी महीने में, राइट। अब आपको क्या करना है, अपने चारों उन जिनको आप ज्वाइन कराओगे जनवरी महीने में, उन 4 लोगों का यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको यहां पर लिखना है आईडी नंबर। एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने इस महीने ज्वाइन करा और मैंने 4 लोगों को ज्वाइन कराया, यहां पर लिखा सुमित, यहां पे लिखा अमित, यहां पे लिखा राहुल, यहां पे लिखा जितेंद्र, इन मैंने 4 दोस्तों को ज्वाइन करा दिया, चारों के नाम यहां लिख दिए, चारों का आईडी नंबर लिख दिया, चारों का मोबाइल नंबर लिख दिया, और यहां पे उनका बिल का अमाउंट और बिल का पीवी, अगर उन्होंने बेस्ट डील की शॉपिंग करी है तो बेस्ट डील का अमाउंट, वीबीडी का अमाउंट और वीबीडी का पीवी, और यहां पे की शॉपिंग कब करी,
ये चार लोगों की शीट मैंने भर दी, चार लोगों का डाटा यहाँ भर लिया, जिन चार व्यक्तियों को मैंने ज्वाइन कराया है उनकी शॉपिंग का भाई क्या, क्या क्या मैं यहाँ भर सकता हूँ? आसान है मुश्किल है? चार लोगों का, राइट। अब आगे चलते हैं दोस्त, अब आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले एक छोटी सी और समझो। मैंने अपना नाम ऊपर भरा, यहाँ पर केशव और यहाँ पर लिखा है सुमित, पहला दोस्त मेरा सुमित। अच्छा, सुमित के पास भी ये शीट होगी उसकी, क्योंकि ये तो मेरी शीट है, इसमें सिर्फ मेरा हक है, ये किसी और के पास नहीं, ये मेरे पास रहेगी, आपकी वाली आपके पास रहेगी। तो यहाँ पर आपका नाम लिखा है। अच्छा, सुमित के पास जो मेरा फ्रंट में जो एक पहला व्यक्ति था, इसके पास भी तो अपनी शीट होगी। इसकी शीट में ये अपना नाम कहाँ लिखेगा? यहाँ पे सुमित अपनी शीट में नाम यहाँ लिखेगा। ऐसे जितेंद्र करके एक जो चौथा व्यक्ति था वो अपना यहाँ लिखेगा, राहुल करके तीसरा व्यक्ति था वो अपना नाम यहाँ लिखेगा, लेकिन मेरी शीट में इनका नाम नीचे है क्योंकि मेरे फ्रंट लाइन है। ये लोग जो अब अपनी शीट भरेंगे तो ये अपना नाम यहाँ लिखेंगे, अपनी शॉपिंग यहाँ लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर वो लोग क्या लिखेंगे जो मेरे चार दोस्त थे, राहुल, सुमित, अमित और जितेंद्र, ये चारों लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये चारों लोग अपने चार चार लोग को ज्वाइन कराएंगे और यहाँ पर लिखेंगे उनके नाम। समझ में आ रहा है? आप अपने ऊपर ले सकते हैं इसको, आप अपने ऊपर लेके चलेंगे ज्यादा समझ में आएगा कि आपके दोस्त कौन है, आपकी फ्रंट लाइन कौन है, आपके फ्रंट में कौन कौन है। अच्छा, आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी लाइनें पहले से खुली हुई हैं, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर मैं किसका लिखूं यहाँ पे, मेरे पास तो चार लाइनें पहले से हैं। अच्छा, जो मेरे फ्रंट में है वो तो कुछ करता ही नहीं। जनरली सबके साथ समस्या क्या है, आपकी फ्रंट लाइन में जो बैठा हुआ बंदा है वो हमेशा इनएक्टिव ही मिलता है। अब आपको क्या करना है, मैं आप सबसे बोल रहा हूं, आप सबकी पहली लाइन में सबसे ऊपर की तरफ जो भी एक्टिव मिले, पहला बंदा इनएक्टिव है ठीक है, दूसरा इनएक्टिव है, तीसरा इनएक्टिव है, ऐसे नीचे डेप्थ में जाते जाते कोई एक एक्टिव व्यक्ति मिलेगा जो ये एमसीएस सीट भरने को तैयार होगा, कोई होगा, चाहे वो 20वीं डेप्थ में मिल रहा है लेकिन वो आपके लिए पहला बंदा है। आया ना, आप सिल्वर कब कैसे बनेंगे, उस व्यक्ति को ब्रॉन्ज बना के तो आप सिल्वर बनेंगे। तो आपके लिए एक तरह से सिस्टम है, कंप्यूटर में वो आपकी 20वीं डेप्थ है लेकिन लॉजिकली वो आपकी पहली डेप्थ है। आपको उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही आपकी दूसरी लाइन में जो नीचे की तरफ जाके कोई भी एक सीरियस व्यक्ति मिलता है जो इस एमसीएस सीट को भरने को तैयार है, आपको उसका नाम यहाँ लिखना है। ये उनके लिए बात कर रहा हूं जिनकी ऑलरेडी तीन चार लाइनें खुली हैं, लेकिन कल को आप जिसको प्लान दिखाओगे तो उसकी तो एक भी लाइन नहीं खुली, वो तो अपने चार दोस्त को ज्वाइन कराएगा, चारों के नाम यहाँ लिखेगा, राइट। कोशिश ये करेगा आपके फ्रंट में जो है उनको जगाओ, उनको एमसीएस सीट भराओ, इस सीट के बारे में बताओ और उनकी परचेजिंग कराना शुरू करें, राइट। अच्छा चलिए, ये जनवरी मंथ में मेरे चार दोस्त की ज्वाइनिंग परचेजिंग हो गई। अच्छा, मेरी शीट में भी नीचे और भी बॉक्स होंगे, रीपरचेज। फरवरी मंथ में आप यहां पर देख सकते हैं, फरवरी मंथ में इन्हीं चारों लोगों की, चारों दोस्तों की रीपरचेज लिखूंगा मैं। मार्च में इन्हीं चारों दोस्तों की रीपरचेज, अप्रैल में इन्हीं चारों की रीपरचेज, मई में इन्हीं चारों की रीपरचेज और अप्रैल में भी, जून में भी इन्हीं चारों की रीपरचेज भरनी है। मेरी शीट में किस किस के नाम है? सिर्फ चार फ्रंटलाइन के, मेरी शीट में सिर्फ चार फ्रंटलाइन के नाम है, क्लियर। अच्छा, मुझे फॉलो कितने को करना है? दो डेप्थ। फॉलो कितने को करना है? दो डेप्थ। पहली डेप्थ कौन है? पहले तो ये चार ही है जो मेरी शीट में नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, दूसरी डेप्थ कौन है? अब मैं इन चारों दोस्तों की शीट चेक करूंगा, भाई तू अपने दिखा कि क्या तू चार दोस्तों की शीट, चार लोगों का नाम लिखा कि नहीं लिखा। दूसरी डेप्थ ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगी कि नहीं? अगर आप मेरे फ्रंट लाइन है, एग्जांपल देता हूं, आप मेरे अगर फ्रंट लाइन है तो मैंने अपनी शीट में जो भरा, आप चारों, आपका नाम भर दिया तो आपको तो मैंने देख लिया, आपने परचेजिंग कर ली, लेकिन अब मैं आपकी शीट चेक करूंगा कि क्या आप अपने चार व्यक्तियों को ज्वाइन करवा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं और उनकी परचेजिंग करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, तो दूसरी डेप्थ ऑटोमेटिक फॉलो हो गई। तो आपको आपको किस किस की शीट चेक करनी है? आपको देखनी है दोस्त अपनी और अपने फ्रंट लाइन की, ये बॉक्सेस भरे होने चाहिए। ये देखना आसान है, मुश्किल है? आपने अपने चार फ्रंट लाइन की शीट देख ली, आपने 20 लोगों का फॉलो अप कर लिया, राइट। चलिए दोस्त, अब आगे आते हैं। यहां तक क्लियर ना हो तब एक क्वेश्चन आंसर हम रख लेंगे अभी थोड़ी देर में, जैसे ही क्लोज होगा उसके बाद। अच्छा, फॉलो अप करोगे कैसे? मेरे फ्रंट लाइन में सपोज करो राजेंद्र जी है, राजेंद्र जी ने चार लोगों को ज्वाइन करा दिया, वो चार लोगों को फॉलोअप करूं कैसे? मैं तो उनको जानता भी नहीं, राजेंद्र जी अकेले जाके प्लान दिखा के आ गए, ज्वाइन करा के आ गए, वो परचेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है मुझे क्या पता। तो उसके लिए मेरे पास दो डेप्थ डाउनलाइन, दो डायरेक्ट डाउनलाइन के डेप्थ के कॉन्टेक्ट नंबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए?
आपके पास लास्ट शीट होगी, पांचवी शीट। कई लोगों के जिनके पास ये शीट शायद नहीं होगी, जिन्होंने तीन पेज या चार पेज वाली की उनके पास शायद ये पेज ना हो, लेकिन जिन्होंने पांच पेज वाला फोटोकॉपी कराया, प्रिंट आउट कराया, उनके पास ये शीट होगी। यस अनिता मैम आपके पास है, तो आपके पास एक लास्ट शीट आ रही होगी दोस्त, इस पे लिखा है माय कमिटमेंट शीट और दो डायरेक्ट डेप्थ कॉन्टेक्ट डिटेल्स भरने हैं आपको। दो डायरेक्ट डेप्थ कौन सी है? आपके फ्रंट के चार, जिन चार दोस्तों को ज्वाइन कराया है आपने, उनका नाम लिखो, उनका मोबाइल नंबर लिखो। मैं किसका किसका लिखूंगा? नंबर वन पहले सुमित का लिखूंगा, फिर अमित का लिखूंगा, और एक जितेंद्र का लिखूंगा, और एक राहुल का लिखूंगा। इन चारों के नंबर नाम मैंने यहां लिख लिए क्योंकि ये मेरे फ्रंट लाइन थे, ठीक है। अब जो मेरा फ्रंट में एक पहला व्यक्ति था सुमित, इसकी भी तो चार फ्रंट लाइन होंगी। मैं अब यहां पर लिखूंगा सुमित के चारों नाम, फिर यहां लिखूंगा अमित के चार दोस्तों के चार चार डाउनलाइन के नाम, फिर यहां लिखूंगा राहुल के चार डाउनलाइन के नाम, और यहां पर लिखूंगा मैं लास्ट में जितेंद्र के चार डाउनलाइन के नाम। मेरे पास 20 लोगों का डाटा आ गया। कल को इनमें से कोई भी शॉपिंग नहीं करता है, मेरे पास नंबर है, फोन कर सकता हूं। इन 20 लोगों से आपको डायरेक्ट टच में रहना है, आपको 4096 लोगों से टच में नहीं रहना, वो हार्डवर्क हो जाएगा, वो होगा भी नहीं। आपको इन 20 लोगों के साथ टच में रहना है, और ऐसा ही जो आपके डाउनलाइन है उनके जो दो डेप्थ है उनको उनके डायरेक्ट टच में रहना है। अच्छा एक फायदा पता है आपको चार फ्रंट लाइन खोलने का, आपका जिंदगी में कभी साइड मेंटेन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा सिल्वर पे साइड में 1800 नहीं हुए। जितना आप मिड लाइन से करोगे उससे तीन गुना ज्यादा आपका साइड लाइन से होगा, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। तो दोस्त इस सीट को भरना आसान है मुश्किल है, लेकिन 6 महीने तक कंटिन्यूटी बना के रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ 6 मंथ तक, अगर आपने 6 महीने तक इसको कंटिन्यू बना के रखा और आपने 20 लोगों को फॉलोअप किया, और जिन 20 लोगों को मैं फॉलोअप कर रहा हूं उनके अंदर भी यही चीज सिखा दी, अरे मेरे को बताओ, मेरा अपलाइन मेरे से कह रहा है सर अपनी शीट दिखाओ, केशव जी अरविंद जी कहते हैं वैसे केशव जी अपनी शीट दिखाओ, अब मैं दिखाऊंगा, मैंने दिखा दिया, अब मैं कहूंगा ना कि भाई मैंने तो दिखा दी, अब मेरा डाउनलाइन है ये, तू भी दिखा भाई, फिल किया कि नहीं किया, नहीं किया तो बता कहाँ हेल्प है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही, मैं हेल्प करता हूँ कहीं, बता किससे मिलना है, 50 लोगों के नाम लिखे हैं, उन 50 लोगों से मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, परचेजिंग कराते हैं। इन 20 लोगों के साथ हमें भागना पड़ेगा, 20 लोगों के साथ भागना आसान है। दिक्कत क्या है हमारे नेटवर्क में, आपके नेटवर्क में दिखा रहा होगा 600 लोग, अब 600 लोग को हम जानते भी नहीं, फॉलोअप कैसे करें, अभी तक कोई सिस्टम नहीं बना, इसलिए दिक्कत आ रही थी। यही डुप्लीकेट होता जाएगा दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। आसान है मुश्किल है, बस याद रखना आप मेरी हर बात पे यस यस करते आ रहे हैं, शीट भी दे देना अपने अपलाइन को, जो आपकी ऊपर वाली पेज था ना वो आपको अपने अपलाइन को दे देना चुपचाप, ईमानदारी से मुकर मत जाना, क्योंकि आपने हर वक्त हर बात पे हाँ किया है और हर बात पे आपने इस पे दो जगह साइन भी किए। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपने अपने सभी डाउनलाइन से शीट साइन करा ली, कल को 6 महीने बाद कोई ये व्यक्ति ये कह सकता है कि सर वेस्टिज में पैसा नहीं आता, सर मेरी इनकम नहीं आ रही, मेरा लेवल नहीं हो रहा, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, कोई ये कह सकता है? भाई ये सिर्फ तब कह सकता है जब ये चार शर्तें नहीं मानेगा, जब वो चार लोगों को ज्वाइन नहीं कराएगा, जब वो इन 20 लोगों का फॉलोअप नहीं करेगा, जब वो 40 बीबी की शॉपिंग नहीं कराएगा तो ही पैसा नहीं आएगा। अगर आप ये चार शर्तें मानने को तैयार हो, ये चारों शर्तें सिर्फ 6 महीने तक गारंटीड मान लेते हो, गारंटी है 25 से 30 हजार ये मिनिमम इनकम है। मैंने कहा ना ये सिर्फ तब है जब आपका 6% रिजल्ट है, यही अगर 12% रिजल्ट होगा तो 50,000 भी होंगे, नंबर्स का गेम है दोस्त। अच्छा 40 भी रखा हुआ है, इसको तो कोई मना भी नहीं कर सकता, इसको तो कोई ये भी नहीं कर सकता कि सर पैसे नहीं है मेरे पास, ये तो बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। तो हम सबका आज के बाद काम क्या होगा, सबसे पहले आप अपनी परचेजिंग शुरू करिए, 40 बीबी मिनिमम, ये मिनिमम है, ध्यान रखिएगा। आपके पोटेंशियल को मैं बांध नहीं रहा हूं, आपके पोटेंशियल को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक महीने में सिर्फ चार लोगों को ज्वाइन कराना है, आपकी पावर अगर एक महीने में 20 लोगों को ज्वाइन करानी है तो आप 20 कराइए। ये तो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल पासिंग क्राइटेरिया वाले लोग हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आने वाला बंदा कभी भी 33% नंबर के बारे में कभी नहीं सोचता, कभी ख्याल सपने में भी नहीं आता कि पता नहीं 33 आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से है तो आप कभी भी ये मत सोचो कि सर 40 ही करना है, नहीं सर आप 60 करिए, 100 करिए, 200 करिए, ये कभी मत सोचिए कि मैं चार ही ज्वाइनिंग करें, नहीं नहीं आप पूरे महीने में 40 करिए,
40 ज्वाइनिंग करी है पूरे महीने में, लेकिन जो नहीं कर सकता उसके लिए है कि भाई चार तो करनी ही पड़ेगी, इससे कम में नहीं चलेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। राइट, तैयार है? एक लाइन और कहना चाहूंगा लास्ट में, 1000 लोग बिना सिस्टम के जुड़े, 1000 लोग बिना इस एमसीएस सीट के जुड़े, दूसरी तरफ एक व्यक्ति इस एमसीएस सीट के साथ जुड़े, ये दोनों बराबर है। 1000 लोग ऐसे ही ज्वाइन कर लिए, परचेजिंग कर ली, उसके बाद क्या करना है उनको पता ही नहीं, मीटिंग अटेंड करनी है कि नहीं करनी, ज्वाइनिंग करानी है कि नहीं करानी, फ्रंट में कितने कराने हैं, स्पॉन्सरिंग कितनी करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, कुछ नहीं, भीड़ चाल चल रहा है, बस भर्ती हो गए हैं। आपके हम सभी के केस में हो गया रहा होगा, अभी टीम साइज इतना बड़ा लेकिन काम करने वाला कोई नहीं, क्यों? क्योंकि अभी वो 1000 लोग ऐसे हैं जो बिना सिस्टम के काम कर रहे हैं, कोई मिल जाएगा तो ज्वाइन करा देंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं। 1000 लोग अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे इज इक्वल टू एक व्यक्ति जो इस एमसीएस सीट के साथ काम करेगा, ये दोनों बराबर है। अब आप मुझे बताइए, 1000 लोग पे हार्ड वर्क करना चाहेंगे या सिर्फ एक व्यक्ति पे स्मार्ट वर्क करना चाहेंगे? तो एक व्यक्ति पे स्मार्ट वर्क करना अच्छा है, आसान है, रिजल्ट्स भी आएंगे, वरना 1000 को संभालते संभालते आप भी थक जाओगे, आप भी हरेश हो जाओगे, फिर कहोगे सर कोई कर नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, ये हो रहा है सर, वो हो रहा है, और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। इसलिए देखो, 3 साल का टारगेट तो दिया नहीं है, ओनली 6 मंथ, 6 महीने यूं निकल जाएंगे। और बहुत बड़ी चीज नहीं कही है हमसे, आपसे ये भी नहीं कहा गया कि आप अपने 250, 500, 1000, 2000, 4000 लोग चेक करो, आप अपने 20 लोग का डाटा चेक करते रहो, और 20 लोगों का भी डाटा चेक करने के लिए आपको अपने और अपने 4 व्यक्ति के देख लो, उन 4 व्यक्तियों के अगर बॉक्सेस सारे भरे हुए हैं, समझ जाओ आपके 20 लोग परचेजिंग टाइम पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एक्स व्यक्ति ने परचेज नहीं किया, लास्ट शीट में आपके पास उनका मोबाइल नंबर है, एक फोन कॉल कर लो, सर क्या दिक्कत आ रही है, कोई क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर डीएलसीपी स्टोर दूर है मैं उसमें हेल्प करता हूँ, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, लेकिन ये एमसीएस सीट को फुल करना है सर, जो करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन ये एक भी व्यक्ति का एमसीएस सीट में जो बॉक्सेज है ना वो ब्लैंक ना रहे, भरना सबका है। राइट, आसान है, ये साइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस पता है आप सब लोगों को। एक व्यक्ति, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके मुझे दे दे, नहीं देगा ना, आपको लगेगा सर पता नहीं बाद में तुम क्या लिख लो इस पे, वैसे तो भरोसा है लेकिन पता नहीं बाद में मुकर जाओ और पता नहीं क्या लिख लो, मेरी तो सारी संपत्ति चली जाएगी, इसलिए आप ब्लैंक पेपर साइन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं आपको। अब आपने क्योंकि साइन किए हैं तो अब कहीं ना कहीं अंदर से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी कि हाँ सर मुझे करना है, अगर नहीं किया तो ये इनकम नहीं आएगी, और यहाँ पर 500 लोग थे वो 500 लोग की इनकम आ गई, मेरी नहीं आई तो बड़ी दिक्कत है, तो मुझे इन 500 लोगों से आगे निकलना है और मुझे सबसे 6 महीने के बाद सबसे ज्यादा इनकम कमानी है। अभी तक हाँ मैं मानता हूँ कोई सिस्टम नहीं था, आप भाग रहे थे इधर उधर भाग रहे हो, लेकिन किसी को बांध के नहीं। मैंने एक एग्जांपल कल भी दिया था, मैं फिर देता हूं, एक एग्जांपल समझना, मैं आपको 500 मोती देता हूं, 500 मोती आपको, 500 मोती देता हूं, और आप एक शर्त है रोज सुबह सुबह उठते उसको काउंट करना है, और काउंट करके फिर आप रख लीजिए, सुबह अगले दिन फिर उठिए फिर काउंट करिए, 5 साल तक काउंट करने, 500 मोती हैं। अगर मैं 5 साल के बाद आपसे वो मोती मांगूंगा तो क्या आप 500 के 500 दे पाएंगे? एक आध तो मिस हो ही जाएगा सर, 365 × 5 1500 दिन है, 1500 दिन में रोज रोज गिनेंगे, एक आध गिर गया तो मोती उछलता बड़ी तेज है, एक बार गिर गया तो पता नहीं कहां उछल के चला जाएगा, तो एक आध तो मिस कर देंगे, हाँ या ना, एक आध मिस नहीं होगा, बहुत सारे मिस हो जाएंगे, लेकिन अगर उन मोतियों को मैं एक धागे में डाल के गांठ बांध के एक माला बना के आपको दे दूं और अब बोलूं कि रोज सर गिनना है और 5 साल के बाद मुझे वापस चाहिए सारी 500 के 500 मोती, एक भी मिस हो सकता है? अब एक भी नहीं खोएगा, एक भी नहीं निकल सकता उसमें से, या तो पूरी माला गायब हो जाएगी, या तो कोई चोर चुरा के ले जाएगा, या वो 500 के 500 मोती आप एज इट इज वापस देंगे। सेम दोस्त यहां पर है, अब आपको अपनी पूरी टीम को एक धागे में बांध के रखना है, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं बितकेगा, कोई कहीं इधर उधर से डिसकंटिन्यू नहीं करेगा, 6 महीने तक हर व्यक्ति टिका रहेगा, हर व्यक्ति इस सिस्टम पे काम करेगा, और 6 महीने के बाद जब 25,000 रुपए की इनकम आएगी ना तो आप उसको बोलोगे सर 5 लाख रुपए ले लो बस चीज छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा तो आज भी नहीं छोड़ेगा, तो आज इनकम नहीं आ रही फिर भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब इनकम आ रही होगी फिर बोलोगे सर 5 लाख ले लो 25,000 वाली इनकम छोड़ दो कुछ और करते मिलके, नहीं छोड़ेगा।
इसीलिए दोस्त आज इसी सिस्टम पे काम करना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रूवन सिस्टम है, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने इस एमसीए सीट पे काम किया और विद इन 2 to 3 months उनको रिजल्ट दिखे। जिनका बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया था उन्होंने इस एमसीए सीट पे काम किया और उनका बिजनेस लगभग दो गुना, जितना हाईएस्ट किया था उससे दो गुना चला गया। क्यों? क्योंकि अब सब लोग एक सिस्टम में आ गए। ये आसान भी है, ये डुप्लीकेबल भी है। दो बार आप इस एमसीए सीट को एक बार दो बार सुन लेते हैं आप, तो तीसरी बार आप खुद बताना शुरू कर देंगे, तीसरी बार आप खुद ही बताना शुरू कर देंगे क्या है कैसे। लेकिन हम मानता हूं सीएनटी में पहली बार एक बार दो बार में नॉनिस फॉर्मूला जल्दी समझ में नहीं आता, समझ में आता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम, है ना, थोड़ा सा वक्त लगता है उसको सीखने में। लेकिन इसको सीखना तो आसान है, प्लान दे देगा जूम मीटिंग, सुबह 11 बजे शाम को 7 बजे में जूम मीटिंग में आप सीएनटी अटेंड करवा दो और शाम को उसके घर पे जाके उसके घर पे चाय पियो और 4 पेज भरवा के ले आओ। कर सकते हैं, आसान है। अब किसी को कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेरी है तो आप चैट में एक बार पूछ सकते हो। उसके बाद हमारा अभी एक नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा है विद इन 5 मिनट्स, प्राइम कैटेगरी के हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उस कैटेगरी पे बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होगी, आप सभी लोग कनेक्ट बने रहिए। हाँ, उससे पहले किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट में पूछ सकते हैं। चलिए तोमर जी का जवाब लेते हैं पहले। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ये मैं देख रहा हूँ जैसे आपने बताया ना इसमें लिस्ट है, इसमें जो नाम लिखने हैं उनके आगे YN है। Yes or no? Why हाँ. का क्या मतलब? Why का yes, N का no. अच्छा ठीक है सर। ओके। उन्होंने परचेज करी है नहीं करी? करी तो yes, नहीं करी तो no. ठीक है सर, ठीक है। Thank you so much. Okay. Next, सतीश जी, आप माइक ओपन कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक हो गया गलती से आपका। एनीबडी एल्स? मेरे ख्याल से मैंने जिस तरीके से समझाया सभी को समझ में तो आ ही गया हो। चलिए अजय पटेल जी, आप कुछ पूछ देना चाहते हैं शायद। जी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मैं अभी मैं ज्वाइनिंग करवाया था पटना में, पटना सिटी में, जहाँ पे मैं एड्रेस भी बताया था वहाँ गया, तो वहाँ दुकान तो नहीं है, दुकान नहीं मिला और वहाँ खाली मीटिंग का खाली कुर्सी वर्सी रखा हुआ था। अच्छा, वहाँ कोई दुकान वकान नहीं है। पटना ऑफिस, पटना मेन ब्रांच, पटना पटना सिटी मेन ब्रांच, पटना सिटी में। सर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर, मिस्टर रंजीत जी जो हमारे बिहार के शानदार लीडर हैं, वो उसमें आपकी मदद कर पाएंगे। माइक अनम्यूट करिए रंजीत सर, जवाब दीजिए सर का। बिहार में पता नहीं कौन सी ब्रांच, कंकड़बाग एक्चुअली बंद भी रहता है देखली। आज गए थे, कब गए थे? और आज गए थे। हाँ तो उसमें लिखा हुआ है कि कंकड़बाग शायद शुक्रवार को बंद रहता है। हम फिर वो एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें ना मोबाइल नंबर कंकड़बाग शुक्र या शनिवार को ऐसे कुछ बंद है। पटना सिटी चौक है।